पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर कैटेकिस्म के नौवीं कक्षा के सभी छात्रों को इस क्लास में मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। हमारे नौवीं कक्षा के कक्षा की किताब का नाम है कलीसिया आराधना करने वालों का समूह। कलीसिया आराधना करने वालों का समूह, इससे आप समझ जाते हैं कि हमारी इस किताब के इस वर्ष के पढ़ाई के मुख्य केंद्र बिंदु आराधना है। आराधना किस प्रकार की जाती है, आराधना में क्या क्या चीज़ है, इनके बारे में मुख्यतः इस किताब द्वारा हमें नवीं कक्षा में सिखाए जाएंगे। पहला अध्याय ईश्वर की आराधना, उसके बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में कुल 8 उप शीर्षक है और भूमिका के तौर पर इस अध्याय में ईसा याकूब के कुएं के किनारे एक समारी स्त्री से मिलती है। ये जो घटना आप योहन के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 20 से 23 तक वाक्यों में आप पाते हैं। ईसा उस समारी स्त्री से बातचीत करते करते उनकी बात सच्ची आराधना तक आ जाती है। तो समारी स्त्री प्रभु ईसा से पूछते हैं, हमारे पुरखों ने इस पर्वत पर आराधना करती थी और आप लोग बता रहे कि जेरूसलेम पर्वत पर आराधना करनी चाहिए, एक कैसी बात है। तो ईसा मसीह उनको समझाते हैं कि अब समय आ गया है, आप लोग आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे, ना कि इस पर्वत पर या उस पर्वत पर। इस प्रकार सच्ची आराधना क्या है, सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई में, इसके बारे में इस अध्याय में हमसे हमको सिखाते हैं। पहाड़ों में क्यों आराधना की जाती थी, क्योंकि पुराने लोगों का विश्वास था कि स्वर्ग से अतिक निकट पहाड़ रहते हैं, इसलिए पुराने समय में जो मंदिर है, प्रार्थनालय है, सब पहाड़ों में बनाए जाते थे। जैसे यरूशलेम मंदिर यरूशलेम के एक पर्वत पर बसाया गया था। इस अध्याय के पहला उपशीर्षक में हम आ जाते हैं, मानव एक उपासक। बताया जाता है कि मानव के उत्पत्ति के समय से लेकर मानव आराधना करते थे, तो इसलिए मानव इतिहास के बराबर शुरुआत से आराधना का भी शुरुआत हो जाती है। किस प्रकार आराधना की, किस चीज की आराधना की, इसके बारे में इस शीर्षक पर बता देते हैं। मानव के बुद्धि के परे जो भी चीज उन्हें मिले, ये सब चीज देके उनको आश्चर्य हुआ और किसी किसी चीज देकर उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। तो जो अपने समझ के परे इन चीजों से जो भय और आश्चर्य उत्पन्न हुए, उन चीजों को आराधना करने लगे। जैसे सूरज है, चंद्रमा है, आंधी है, इनको समझ ना सके, इसलिए आदिम मानव इनकी आराधना करने लगे। दो कारण से इनकी आराधना करने लगे, एक ये है इन शक्तियों से होने वाले उपद्रवों से मुक्त होना, और इनसे प्रार्थना करने से हमारी जो मनोकामनाएं वो पूरी होना। इन दो चीज़ों के लिए मानव की इतिहास के शुरुआत से लेकर लोग आराधना करते थे। और दूसरे पड़ाव में आ जाए तो हम देखते हैं मानव एक विचारशील इंसान है, विचारशील व्यक्ति है, मानव सोचता है। वह सोचने लगे कि सूरज चंद्रमा ऐसी शक्तियों के पीछे कौन है, पीछे की शक्ति कौन है। तो इन पीछे की शक्तियों के ओर मानव के सोच जाने लगे और इस शक्ति को मानव ने ईश्वर नाम दे दिया, इसलिए उस ईश्वर की आराधना करने लगे। तो समय के, काल के और स्थल के आधार पर इस आराधना में विभिन्नता, हम अलग अलग रूप हम देखे जाते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण आराधना का भाग ये था कि बलि अर्पित करना। बलि अर्पण सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मानव ईश्वर के रूप और सादृश्य में बनाए गए हैं। मानव ईश्वर के रूप और सादृश्य में
बनाए गए हैं। मानव में ईश्वर निवास करता है, इसलिए मानव ईश्वरोन्मुख है, ईश्वर की ओर उसका मुख रहता है, उसका सोच रहता है। इसलिए सहज ही मानव प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए संत अगस्तीन कहते हैं कि ईश्वर आपने अपने लिए मानव की सृष्टि की, आप में पहुंचने तक मानव का हृदय अशांत रहेगा। इसलिए मानव अपने जन्म से ईश्वर की ओर उन्मुख है, ईश्वर को समझने, ईश्वर की आराधना करने की कोशिश करते हैं, और उसी में सच्ची आराधना और प्रार्थना उत्पन्न होती है। अब हम इस पहले अध्याय के दूसरा शीर्षक में आ जाते हैं। दूसरा शीर्षक का नाम है आराधना अलग अलग धर्मों में। इसके बारे में अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम विभिन्न धर्मों के बीच में रहते हैं। हम सिख धर्म के, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, इनके आराधना देख चुके हैं, जान चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के अपने अपने अलग तौर तरीके की आराधना रहती है। हम तीसरे उपशीर्षक में आते हैं, इसका नाम है आराधना पुराने विधान में। पुराने विधान में किस प्रकार आराधना होती थी? अन्य धर्मों में अगर हम देखा जाए तो आराधना इंसान ईश्वर की ओर जाने की एक प्रक्रिया थी, पर पुराने विधान में यहूदी धर्म में देखा जाए तो ईश्वर इंसान को ढूंढ के आ जाते हैं। इस प्रक्रिया विपरीत दिशा में आ जाती है, इंसान ईश्वर की ओर जाने के बदले ईश्वर इंसान की ओर आ जाते हैं। ये हम पुराने विधान के आराधना में देख सकते हैं। ये प्रक्रिया इसलिए हुआ कि ईश्वर ने इसराइलियों को एक आराधना समूह के रूप में बनाना चाहते थे, इसलिए ईश्वर उनके पीछे आ जाते हैं, उनको निर्वासन से मुक्त करते हैं, निर्वासन से अपने प्रदत्त देश तक जाने की उस रास्ता में संभालते हैं, उनके अगुवाई करते हैं। इस प्रकार ईश्वर उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। इसलिए इसराइलियों का उनके पूजा के, आराधना के मुख्य केंद्र बिंदु ये था, जो ईश्वर ने उनको बचाया, उनको संभाला, उनकी अगुवाई की, उस ईश्वर को धन्यवाद देना, धन्यवाद अर्पित करना, शुक्रिया अदा करना इसराइलियों के आराधना का केंद्र बिंदु था। और हम आगे जाकर इसराइलियों के आराधना के बारे में सोचेंगे तो उनके जीवन में तीन जगह आराधना केंद्र थी। एक मंदिर जहां बलि अर्पित किया जाता था, दूसरा सिनागोग जहां वचन के बारे में पढ़ते थे, वचन के बारे में विचार मनन चिंतन करते थे, और तीसरा घर या गृह जहां रोटी तोड़ते हुए जिस ईश्वर ने उनको संभाला, उनको खाना दिए, उनके अगुवाई की, उस ईश्वर को धन्यवाद देते थे। इसी प्रकार पुराने विधान में इस प्रकार के तीन स्थलों में हम आराधना पाई जाती है। इस अध्याय का अगला शीर्षक है आराधना जिसकी आत्मा खो गई। इस शीर्षक का मतलब यह है, समय के चलते चलते ईश्वर ने जो विधान दिए है किस प्रकार आराधना करनी चाहिए। पुराने विधान के पहले पांच ग्रंथों में देखा जाए तो, जिनको हम तोरा कहते हैं, उनमें कुल 613 नियम थे। इसके अलावा दो अन्य नियम यहूदी बनाए, अन्य नियम की पुस्तिका बनाए, जिसको हम मिशना कहते हैं, तालमूद कहते हैं। तो नियम, बहुत सारे नियम उनकी आराधना में आ गए, और लोग ये सोचे इन नियमों का विधिवत पालन करना ही आराधना है, और उनके अंदर से आत्मिक जो सोच है वो चला गया। इसलिए ईसा मसीह कहते हैं आपकी आराधना से आत्मा खो गई है।
इसके तौर पर हम होशुआ नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रेम के बिना कोई भी बलिदान ईश्वर के समक्ष स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आराधना उनके जो विधि और नियमों का इतना अधिक महत्व देने के कारण उनकी आराधना के आत्मा खो गई। इस पहले अध्याय के अगला शीर्षक आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना क्या है? हम संत योहन के सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम के कारण ईश्वर ने अपने पुत्र को इन संसार में भेजा। अपने पुत्र को संसार में एक बलि के रूप में अर्पित करके ईसा मसीह अपने जीवन त्याग करके पिता को अपना जीवन अर्पित किया। ये एक आराधना है। इस आराधना का मूल कारण है प्रेम। प्रेम से प्रेरित होकर प्रभु ने अपना जीवन अर्पित किया हमारी मुक्ति के लिए। तो सच्चा आराधना यही है कि उस मुक्ति योजना जो ईसा मसीह ने इस धरती पर निभाई, उस आराधना में भाग लेना और हमारी आराधना भी प्रेम से प्रेरित होके प्रेम की बुनियाद में खड़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए आत्मा और सच्चाई से आराधना का मतलब है कि आराधना में प्रेम होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। इसके बिना कोई भी आराधना सच्चा आराधना नहीं हो सकता। इस पहले अध्याय के छठवां उपशीर्षक के क्रिस्ती आराधना, प्रभु ईसा की आराधना में सहभागिता, ये महत्वपूर्ण एक अंश है। हमारी आराधना प्रभु ईसा की आराधना, जिसने कलवारी पर अपने जीवन अर्पित करते हुए पिता ईश्वर को समर्पित किया था, उस आराधना में भाग लेना है। किस प्रकार हम उस आराधना में भाग लेते हैं? मुख्यतः हम पवित्र बलिदान और अन्य संस्कारों, उपसंस्कारों और याम प्रार्थना, ये कलीसिया के सभी प्रार्थनाओं में भाग लेकर हम क्रिस्तीय आराधना में प्रभु ईसा मसीह की आराधना में सहभागिता प्राप्त कर देते हैं। हमारी आराधना प्रभु ईसा मसीह के उस आराधना में भाग लेते हुए, उसमें संयुक्त होते हुए अर्पित करना है। ये हम मुख्यतः पवित्र बलिदान में और अन्य संस्कारों और उपसंस्कारों में हम भाग लेते हुए क्रिस्तीय आराधना में प्रभु ईसा मसीह के साथ भाग लेते, अपनी सहभागिता अर्पित करते हुए हमारी आराधना अर्पित करते हैं। हमारे पहले अध्याय के सातवां उपशीर्षक है कलीसिया सच्ची आराधना समूह। किस प्रकार कलीसिया की सच्ची आराधना समूह बन जाते हैं, इसके बारे में हम इस उपशीर्षक में देखते हैं। जैसे आप जानते हैं, पुराने विधान में यहूदियों को एक आराधना समूह के रूप में ईश्वर में चुना था, उसी प्रकार नए विधान में ईसाइयों को, क्रिस्तियों को एक आराधना समूह के रूप में ईसा मसीह में चुना है। और इस ईसाई समूह एक आराधना समूह है। इस आराधना समूह का सिर ईसा मसीह है और इसका शरीर उस समूह के हर एक सदस्य है। इसलिए हम ईसा मसीह में संयुक्त होकर सर के साथ अपने शरीर को जोड़ते हुए आराधना करते हैं। इसलिए कलीसिया एक सच्ची आराधना समूह बन जाते हैं। मुख्यतः पवित्र बलिदान में भाग लेते हुए और अन्य संस्कारों में भाग लेते हुए हम कलीसिया के हरेक सदस्य एक सच्चे और सच्ची आराधना समूह बन जाती है। इस पहले अध्याय के आखिरी उपशीर्षक ईश्वर की आराधना
यानी लिटर्जी में हम आ चुके हैं। ईश्वर की आराधना का शब्द है लिटर्जी। लिटर्जी का शब्दार्थ है सामूहिक कर्म। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें इस शब्द को दो भागों में बांटा जा सकता है, लावोस मतलब पीपल या जन और एर्गोन मतलब कर्म। तो लिटर्जी का मतलब है सामूहिक कर्म, समूह का कर्म। विशाल तौर पर पवित्र बलिदान को हम लिटर्जी से समझते हैं, लिटर्जी नाम से जोड़ के समझते हैं, पर अन्य सारे संस्कारों, उपसंस्कारों और याम प्रार्थनाएं के सभी लिटर्जी में आते हैं। लिटर्जी का मतलब है कलीसिया द्वारा औपचारिक रूप से सार्वजनिक आराधना। इसमें दो बिंदु है, एक कलीसिया द्वारा औपचारिक रूप से माननीय होना चाहिए और दूसरा आराधना सार्वजनिक होना चाहिए। तो सार्वजनिक औपचारिक आराधना को हम लिटर्जी कहते हैं। लिटर्जी एक प्रकार के विश्वास की घोषणा है, क्योंकि लिटर्जी में जैसे हम पहले के बिंदुओं में देखा कि प्रभु ईसा मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान को हम मनाते हैं। प्रभु ईसा मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान जब हम मनाते हैं, वह एक विश्वास की घोषणा है। हम अपने विश्वास को दूसरों के समक्ष रखते हैं। किस प्रकार हम हमारे इस विश्वास की प्रघोषणा करते हैं? चिन्हों और प्रतीकों द्वारा। लिटर्जी में हम चिन्हों और प्रतीकों द्वारा ही हम विश्वास को मनाते हैं, विश्वास की आराधना करते हैं। इसके साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त हो जाते हैं। इससे पहले हम जो इस अध्याय के नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों को देखें, किस प्रकार इसका उत्तर है ये भी देख लें। दिया गया पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में किन किन प्रकारों की आराधना विधियां प्रचलित थी? हमने देखा कि प्राचीन काल में जो शक्तियां हमारे समझ के परे है, जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि ताकतों को लोग आराधना करते थे, और हम आगे देखते हैं कि लोग पहाड़ों में आराधना करते थे, क्योंकि उनका सोच था कि पहाड़ स्वर्ग से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार प्राचीन काल में अनेक विधियां थी जिससे लोग आराधना करते थे। दूसरा प्रश्न है, क्रिस्तीय आराधना ईसा मसीह की आराधना में सहभागिता है, स्पष्ट कीजिए। क्रिस्ती आराधना का बुनियाद ही ईसा मसीह की आराधना है। ईसा मसीह की आराधना पिता ईश्वर का प्रेम से पूरित होकर अपने पुत्र को जो इस दुनिया में भेजा, उस पुत्र ने प्रेम से प्रेरित होकर मानव की मुक्ति के लिए अपनी जान दे दी और पिता को अर्पित किए। उसी आराधना में सहभागिता करते हुए, भाग लेते हुए हम भी अपना आराधना करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्रिस्ती आराधना ईसा मसीह की आराधना में सहभागिता है। तीसरा प्रश्न है, यहूदी जनता एक आराधना समूह थी, साबित कीजिए। हम जानते हैं कि लोग ईश्वर के पास जाते थे, पर यहूदियों को ढूंढ कर ईश्वर आ गए। उनको प्रवास से जब बागदत्त देश तक आ गए, तो उनकी रास्ता में भोजन देकर, पानी देकर, शरण देकर उनकी अगुवाई की। तो जो यहूदियों के मन में जो उस ईश्वर के अनंत प्रेम के कार्यों के प्रति जो धन्यवाद की भाव उमड़े, वही उनकी आराधना थी। इसलिए यहूदियों का आराधना इस धन्यवाद के भाव में बुनियाद लेते हुए करते थे। मुख्यतः तीन स्थलों में यहूदी आराधना करते थे। पहले मंदिर में, वहां बलिदान अर्पित करते थे।
दूसरा सिनागोग में, वहाँ लोग वचन की व्याख्या करते थे, पढ़ते थे, और तीसरा ग्रहों में, घरों में, जहाँ रोटी और भोजन करते समय ईश्वर ने जिनको मन्ना खिलाया और रेगिस्तान से बचाकर अपने प्रदत्त देश तक लाया, उस ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करते थे। चौथा प्रश्न है, आत्मा और सच्चाई से आराधना कैसे करनी चाहिए, ईसा ने क्या सिखाया है। कि हम देखते हैं कि पुराने विधान की यहूदी आराधना समय के चलते चलते विधि विधानों पर आधारित हो गया। इस विधि के अनुसार, इस विधान के अनुसार हम आराधना करते तो आराधना में प्रभु संबित ईश्वर समृद्ध हो जाते हैं, इस प्रकार के सोचते। पर ईसा मसीह कहते हैं प्रेम से अलग होकर और किसी प्रकार की आराधना नहीं हो सकता। प्रेम से प्रेरित होकर ही पिता ईश्वर ने पुत्र को इस धरती पर भेजा, वो अपने जीवन अर्पित करते हुए मानव की मुक्ति हासिल की। इसलिए जब हम भी आराधना करते हैं, अगर प्रेम से अलग है तो हमारी आराधना भी ईश्वर के समक्ष स्वीकार्य नहीं है। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, लिटर्जी क्या है, लिटर्जी के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। कलीसिया औपचारिक रूप से सार्वजनिक रूप में जो भी प्रार्थना करते हैं उसे लिटर्जी कहते हैं। लिटर्जी में मुख्यतः पवित्र बलिदान आ जाता है, पर उसके साथ अन्य संस्कार, उपसंस्कार और जो याम प्रार्थनाएं सार्वजनिक रूप से कलीसिया के हर एक सदस्य करते हैं उसे लिटर्जी कहते हैं। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना जो इस अध्याय के आखिरी में दिया गया है, वो प्रार्थना करते हुए हम इस अध्याय को समाप्त करें। ये ईसा मसीह शाश्वत पुरोहित अपने आप को बलि चढ़ाते हुए संसार के अंत तक दोहराने के लिए अपनी कलीसिया को पवित्र बलिदान प्रदान किया है, उससे निर्मल हृदय से अर्पित करने की शक्ति प्रदान कीजिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय श्री।